तो बैठ करके भाषणबाजी चलता है, इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, किसका घर में क्या हो रहा है, ठीक है, किसका लड़का कहाँ गया, कौन काम करने गया, यही सब भाषणबाजी चलता है। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो ये जो भाषणबाजी करते हो, ग्रुपिंग चलता है, इससे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। तो गाइस मनोज दे यूट्यूब का वो बंदा जो बहुत ज्यादा ज्ञान पेलता है, कभी कभी अच्छे ज्ञान पेलता है, पर कभी कभी सिर्फ व्यूज के लिए ज्ञान पेलता है। मनोज दे वो बंदा है जिसके चैनल पे 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और कभी मैं इनको भी देखा करता था, पर धीरे धीरे तुम्हारी तरह मेरा भी ओपिनियन चेंज होता गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनोज भाई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी ये हद पार कर देते हैं। देखो भाई, मनोज भाई ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है जिसका नाम सौरभ जोशी को देखना बंद कर दो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे है। और जब मैंने ये वीडियो देखा तो मनोज भाई ये कह रहे थे एक बार तुम भी देखो। तो दोस्तों आज की डेट पे यूट्यूबर सबको बनना है, यूट्यूब से पैसा भी सबको कमाना है, पर दोस्तों एक चीज है जो कि नहीं करना है किसी को, वो है दोस्तों मेहनत। मेहनत नहीं करना है, पैसा कमाना है यूट्यूब से। तो गाइस यहाँ मनोज भाई का कहना है कि सौरभ जोशी को मत देखो क्योंकि वो मेहनत नहीं करता है। अभी चीज देखने के बाद मेरे दिमाग से मनोज भाई के लिए थोड़ी सी इज्जत कम हो गई है, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनमें से 98% लोग मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन उनका हार्डवर्क होता है भाई। और यहाँ पे तो मैं ये कहूंगा कि सौरभ भाई कहीं गुना ज्यादा मेहनत करते हैं एज कम्पेयर टू मनोज दे, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और सौरभ जोशी कम से कम 5 घंटे का ब्लॉग रिकॉर्ड करता है, और फिर वो अपने 5 घंटे के ब्लॉग को देखता है, उसको एडिट करता है और उसको 10 मिनट में कन्वर्ट करता है। 20% यहाँ पर ब्लॉगर है जिनका एक ब्लॉग चैनल है। क्यों है ब्लॉगर? ये है रीजन। अब यहाँ पर सौरभ जोशी को देखने वाले जो ऑडियंस होते हैं उनके अंदर में ऐसा लगेगा ना भाई कि ब्लॉगिंग बहुत आसान है, और व्यूज तो भाई पूरा है, एकदम फाड़ के व्यू आता है। हाँ, ये वो बोल रहा है जो खुद सौरभ जोशी से इंस्पायर्ड होकर अपना एक ब्लॉग चैनल खोला है। देखो भाई, पहले मनोज भाई के चैनल पर टैक्स रिलेटेड बात की जाती थी, फिर इन्होंने हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू गेन 1K सब्सक्राइबर्स वाली नीच पकड़ी, और अब ये अपने चैनल पर मोटिवेशन देते हैं। और ये इसमें इतना पागल हो गए कि अपने दोस्तों को भी नीचे दिखाने में हिचकिचाते नहीं है। दोस्तों अभी मैं शाम के टाइम आया था, थोड़ा बलियापुर मेरे घर से है, लगभग 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मैं आया था तो मेरा यहाँ एक फ्रेंड है, देखिए जो कि साथी हम लोग आईटीआई किए हुए थे 2016 में, इससे भी सोचा थोड़ा मिल लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक दुकान है छोटा सा, यहाँ पर कितना ग्रुप है, देखिए कितने लोग यहाँ बैठे हुए। तो बैठ करके भाषणबाजी चलता है, इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, किसका घर में क्या हो रहा है, ठीक है, किसका लड़का कहाँ गया, कौन काम करने गया, यही सब भाषणबाजी चलता है। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो ये जो भाषणबाजी करते हो, ग्रुपिंग चलता है, इससे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। अबे भाई, तुम सक्सेसफुल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दोस्त खुश नहीं है। हो सकता है कि जिंदगी में तुमसे ज्यादा खुश हो। मतलब ये क्या तरीका होता है भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मनोज भाई को मैच्योर होने की जरूरत है। इन्हें कंटेंट नहीं मिलता तो ये लिटरली कुछ भी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। और हाँ, अगर यहाँ पे मेहनत हार्डवर्क की बात की जा रही है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये वही बंदे हैं जो ऐसे भी वीडियो बनाते हैं कि घर पे बैठ के लाखों पैसे कमाओ बिना मेहनत किए। बस साइन अप करते ही मिलेगा 400 रुपए, अर्न डेली 2000 रुपए, नो इन्वेस्टमेंट, घर बैठे वेबसाइट बनाओ और 2 लाख हर महीना कमाओ, मूवी अपलोड करके यूट्यूब से लाखों कमाओ। हाँ गाइस, तुम भी मूवी अपलोड करो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। देखो मनोज भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से हार्डवर्क कहते किसे हैं? जब आप इनका वीडियो देखोगे ना तो आपको लगेगा भाई इसमें क्या किया है, मतलब इसने क्या किया है वीडियो में, फोन उठाया है, आज का डेट में वो जो भी किया घुमा है, बोल दिया है, बोल करके पार्ट बाय पार्ट सिर्फ सटा दिया है, ना बैकग्राउंड म्यूजिक डाला, ना कोई बीरोल डाला, ना कोई सिनेमेटिक शॉट डाला, ना अच्छे से एडिटिंग किया, पार्ट बाय पार्ट सटाया, वीडियो खत्म, 8-10 मिनट का वीडियो ब्लॉग बन गया, 5 मिलियन व्यू आ गया। शाबाश, वी आर प्राउड ऑफ यू। अब अगर ये चीज मैं कहूँ कि भाई लोग तुम भी मनोज भाई का चैनल मत देखो नहीं तो ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक चैनल को पकड़ा और वीडियो बना दिया है, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है और ना ही कुछ अलग करने कोशिश की है, और बिना कुछ किए इस वीडियो पे 2-4 लाख व्यूज भी आ जाएंगे। मतलब मुझे पता है कि मनोज भाई भी मेहनत करते हैं और सौरभ भाई भी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को नीचा दिखाओ। हो सकता है जो सौरभ जी को देख रहे हो वो उनकी तरह वीडियो बनाने के लिए नहीं बल्कि उनकी तरह पैसा कमाने के लिए इंस्पायर्ड होते हो, और जरूरी नहीं है कि जो लोग उन्हें देख रहे हैं वो लोग ब्लॉग ही बना रहे होंगे। अब बात करते हैं कि क्या मैं यहाँ पर सौरभ जैसे को गलत बोल रहा हूँ? नहीं, ये अपने जगह में सही है। क्यों सही है मैं बताता हूँ। ये जिस टाइम पे ऐसा ब्लॉग बनाते थे उस टाइम ब्लॉगर बहुत कम था, 2-4 ब्लॉगिंग चैनल था, फ्लाइंग विश मुंबई का निखिल और एमएसके ब्लॉग, इस तरह का 2-4 ब्लॉग चैनल ही आया करता था। अरे भाई, जब सौरभ जोशी अपनी जगह पे गलती नहीं था तो फिर तू उसकी वीडियो देखने से लोगों को मना क्यों कर रहा है भाई? और थंबनेल में भी इन्होंने वही चीज लिखा है। देखो भाई, इससे कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट सौरभ जोशी को भी पड़ेगा और मनोज भाई को भी। और मनोज भाई ने यहाँ पे क्लिक बेट तो किया है, पर इतने चलाके से किया है कि इनकी वीडियो पॉजिटिव भी लगे और सामने वाले को नेगेटिव भी दिखा दे। खैर, अगर यही क्लिक बेट मैं करता हूँ तो पब्लिक मुझे नंगा कर देती है, पर इस वीडियो का थंबनेल क्लिक बेट वाला होगा। और हाँ मनोज भाई, इन सब चीजों पे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो भाई वीडियो मत बनाओ, थोड़ा सा रुक जाओ और रियलिस्टिक चीजों पे वीडियो बनाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीजें सही थी। बाकी मुझे क्या, मेरा तो काम था तुम्हें समझाना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें हंसना है तो ये वाली वीडियो देखो। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो मजदूरी में। तो हां, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग, बाय।